बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं, कई बार ही पूछते हैं। मैंने सोचा कि एक वीडियो बना के डाल ही देता हूँ चैनल पे, ताकि किसी को ये कोई सवाल रह ना जाए अपने मन तक, सबके सवाल के जवाब लोगों को मिल जाए। वीडियो किस बारे में? वीडियो इस बारे में, कई लोग सोचते हैं कि राजन भाई आपको सक्सेस क्यों नहीं मिली। सक्सेस मेरे, मजाक करो, सक्सेस मेरे को चाहिए। सक्सेस मैं आपके पैर चूमता हूँ, सक्सेस आप मुझसे दूर मत जाना। सक्सेस का मैं भूखा हूँ, प्यासा हूँ। सच बात यह है दोस्तों कि मैं एक वक्त पे थोड़ा घमंडी था, लेकिन दूसरों के साथ नहीं, अपने साथ, अपने आप के वजूद को लेकर। मुझे लगता था कि मैं मुझसे बढ़िया है, पॉसिबल है? मुझे नहीं लगता था कोई है। खैर, अभी भी ऐसा ही सोचना है मेरा, मजाक करो, मुझसे बढ़िया मार्केट में छाए पड़े हैं लोग। तो फिर मैंने शुरुआत की 2014 में प्रैंक्स करने की। पहला प्रैंक मेरा आया बूम बूम, पटाखे की तरफ फट गया प्रैंक मेरा, मचा दिया मैंने। मैंने तब और भी यूट्यूबर्स, बडिंग यूट्यूबर्स थे, वो अपने कंटेंट बना रहे थे धड़ाधड़, पर मैंने सोचा यूट्यूब की दुनिया है। आई एम एन एक्टर, आई वांट टू बी इन द फिल्म्स, आई एम अ मैसिव एक्टर। तो मैंने उस टाइम थोड़ा घमंड किया और मैंने महीने का एक वीडियो बनाना शुरू किया, जो कि मैं कंपनी के साथ बना रहा था, जो कि बहुत बढ़िया कंपनी है। और क्या, उस बारे में मैं ज़्यादा नहीं बोल सकता, बट मैं आपको बताता हूँ। तो उसके बाद क्या हुआ कि मैं वो वीडियोज़ बना रहा था और महीने का एक वीडियो बनाता था, अच्छा खासा रिस्पांस आ रहा था, लोग प्यार बहुत दे रहे थे, बहुत मोहब्बत दे रहे थे। जहाँ जा रहा था एयरपोर्ट पे, बहन चुद प्लेन नहीं उड़ने दे रहे थे मेरे चक्कर में, जब तक मैं पहुँच नहीं आता, प्लेन में बैठ नहीं आता, तो लोग पागल थे मेरे पीछे, दीवानगी मेरे लिए पागल हो चुकी थी सब लोग। मतलब जहाँ जा रहा हूँ, बहन चुद ताज वाले फ्री में खाना खिला रहे हैं, कह रहे यार भाई साहब आप तो बस यहाँ बैठ जाओ एक बारी, रेस्टोरेंट तो दीवार आसमान की ऊँचाइयाँ पार कर देगा। मैंने कहा ठीक है, बैठ जाते हैं अगर आप लोग को ऐसा लगता है तो। फिर क्या हुआ, कम्स इंटू माई लाइफ अ फिल्म, शुभ मंगल सावधान मेरी लाइफ में आई। तो मेरे अपने दिमाग में मैंने सोच लिया, मैं समझ गया, मेरे को लग गया कि राजन ज़रूरत नहीं है भाई तुझे यूट्यूब पे, तू फिल्म स्टार है बड़ी, तू आज आयुष्मान के साथ खड़ा है, कल आयुष्मान की फिल्में छीन रहा होगा, परसों तू आई थिंक शाहरुख भाई तुझे फ़ोन कर रहे होंगे कि यार राजन कहाँ भाई, मेरी फिल्म नहीं करोगे क्या? सलमान भाई कह रहे होंगे, एंड आई प्रॉब्ली माइट नॉट हैव टाइम। तो ये घमंड मेरे दिमाग पर चढ़ गया और मैंने यूट्यूब की दुनिया को अलविदा कह दिया। तकरीबन एक साल तक मैंने कई सारे ऑडिशन दिए और मज़ा आ गया। हर कोई रिजेक्ट कर रहा है भैया, जिधर जाओ लोग रिजेक्ट कर रहे हैं, लोग कह रहे हैं ओह माय गुडनेस यार बड़ी, सॉरी दिस फिल्म इज़ नॉट फॉर यू। मैंने डायरेक्टरों को दी गालियाँ गंदी अपने मन में, मन का पागल वागल हो गया, तुम इस टैलेंट को कैसे जाने दे रहे हो? पर डायरेक्टर बिंग डायरेक्टर चलती तो उन्हीं की है, पर ऐसा नहीं था कि कोई नेपोटिज्म नहीं हुआ मेरे साथ, मतलब मुझसे अच्छे कलाकार ही गए। तब मैं आई वॉज इन अ ग्रोइंग फेज, मैं सीख रहा था। फिर मैंने यूट्यूब की दुनिया की फिर से शुरुआत की, एक नया चैनल बनाया राजन ऑन द रॉक्स के नाम से, जो डन एंड डस्टेड है, जिस पे आज आप ये वीडियो देख रहे हैं। इस पे मैंने नए प्रैंक्स बना के डालना शुरू किया, लोगों ने देखे, धीरे धीरे बहन चो नंबर अच्छा आने लग गए, मैं भी घबरा गया। हर्ष मेरे साथ आया, हर्ष मेरी ज़िंदगी में आया, बहुत बेहतरीन दोस्त मेरा, बहुत ही मेहनती लड़का, काफ़ी फ़नी बंदा, हम दोनों मिलकर काम करना शुरू कर, लोग कह रहे हैं और भाई मचा दिया, फिर से आ गई ये। तब तक मेरा एक प्रैंक आता है फ्लफी बॉय राजन के नाम से, अपना टाइम आएगा प्रैंक, हाँ अपना टाइम आएगा। उस प्रैंक ने आसमान की ऊंचाइयां छू दी, वो प्रैंक वर्ल्ड में कुछ उसके 250 मिलियन व्यूज तो नहीं हुए, बट जो भी हुआ, बट इट डिड प्रीटी वेल एंड इट गॉट अस अ फ्यू गुड सब्सक्राइबर्स, रियली गुड सब्सक्राइबर्स, रियली गुड पीपल फॉलोइंग मी, पीपल लविंग मी, आई लविंग देम बैक। तो फिर वो हुआ, इतने में मेरे को हमारी कुछ बात ऐसी हुई वापस से कि मैं वो जो पुराना वाला STFU18 था, मैं वहाँ वापस चला गया, क्योंकि उस पर 1 लाख सब्सक्राइबर थे। हाथ दर्द हो रहा है कैमरा पकड़ के, हाथ साले दोनों चुप, इतनी स्ट्रेंथ नहीं दी क्या मैंने तुझे, सॉरी। तो फिर मैं वापस चला गया STFU18 में, क्योंकि 1 लाख सब्सक्राइबर थे वहाँ पे। और वहाँ जाके मैंने क्या किया आपको पता है? मैंने वीडियोज़ बनाना शुरू करे, और पहले जो बंदा दिन का 1 लाख व्यूज़ करता था, वो गिरता लुढ़कता पता नहीं कैसे, पर वो 7-8 हज़ार व्यूज़ पे आ गया। और मुझे समझ नहीं आया हुआ क्या, फिर बाद में मुझे समझ में आया हुआ क्या, यार वो चैनल हो गया था डेड, तकरीबन दो साल से उस पर कोई वीडियो नहीं गई थी, वो चैनल के लग गए थे लौड़े लग गए थे उस चैनल के, तो वो चैनल डेड हो गया। और फिर अब मुझे कमाना भी था, क्योंकि मुंबई में सर्वाइव भी करना था। आपको तो पता है श्याम अंकल से मैं पैसे लेता नहीं, श्याम अंकल को लोग जानते होंगे जो लोग मेरे लाइव देखते हैं। तो मैंने सोचा कि नौकरी की शुरुआत की जाए, और नौकरी की शुरुआत करने के लिए मैं नौकरी के लिए निकला,
और मार्केट में लोग पागल हो रहे हैं भाई, बोलियां लग रही हैं आईपीएल की प्लेयर्स की, इतनी बोलियां लग रही, इतनी राजन की लग रही कि राजन को ले लो, राजन को ले लो। बड़े बड़े चैनल टीवीएफ, स्कूप, एआईबी, सब पैसे का वॉर चल रहा है चारों तरफ। मेरी आंखों में डॉलर के साइन है, चारों तरफ लोग पागल है मेरे लिए, पागल पागल भैंचो। लोग कह रहे हैं स्टैंड अप कॉमेडी में, कह रहे हैं सबको हटा देंगे, आप आ जाओ आप आ जाओ, ये चल रहा है। फिर उसके बाद किसी ने मुझे नौकरी नहीं दी। जब किसी ने मुझे नौकरी नहीं दी तो फिर आपको बताया मैंने क्या किया, मेरा दिमाग सटक गया, सटक गया भाई, तुम्हारा भाई का दिमाग। उसने जाके पैर पकड़ लिए लोगों के, मैं जाके पैरों में गिर गया लोगों के आइस। और जब मैं पैरों में गिरा लोगों के तो लोगों को पता है क्या हुआ, मुझ पर आई तरस। फिर एक कंपनी थी, बहुत प्यारी कंपनी, फोक डिजिटल मीडिया प्राइवेट लिमिटेड, उन्होंने मुझे, मेरे टैलेंट को पहचाना, जौहरी की नज़र है उनकी, जौहरी की, उन्होंने मेरे टैलेंट को पहचाना और उन्होंने मुझे कहा आ जाओ आ जाओ, दूसरी बार मत सोचना, आ जाओ। और फिर मैं उठ के बोरिया बिस्तर लेके उनके, पहले मैंने अच्छे कपड़े खरीदे, मैंने कपड़े अच्छे खरीद लेता हूँ, और फिर मैं उनके यहाँ नौकरी करने चला गया। और वहाँ से शुरुआत हुई इस महान जर्नी की जिसका नाम है आस्क मैन इंडिया, जो तुम लोग देख रहे हो। तो बेसिकली मैंने तुम लोग को सारी सच्चाई बता दी है। अब घंटा इससे कुछ उखड़ने वाला तो है नहीं, कौन सा 5 लाख सब्सक्राइबर हो जाएंगे, पर तुम में से जितने लोग भी ये वीडियो देखें शेयर ज़रूर कर देना, मेरा नया पता ज़रा बता देना लोगों को, क्योंकि तुम्हें पता है मुझे तुमसे उतनी मोहब्बत है जितनी मेरे माँ बाप को मुझसे। बहुत ज़्यादा हो गया, बहुत ज़्यादा हो गया। तो प्लीज़ गाइस टेक केयर, हैव फन, एंड कमेंट ज़रूर कर देना अगर कुछ सवाल हो, मैं भी यहाँ पे वीडियोस बनाता रहूँगा। ख्याल रखो अपना।